नाजे, मैं हूँ उमर। आज मैं जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की तरफ। मुझे कुछ मैसेजेस आए थे कि जापान के इलेक्ट्रॉनिक चीजें वगैरह भी दिखाई जाए, उसके बारे में बताया जाए। तो आज मैं जा रहा था, तो मैं सोचा साथ के साथ मैं वीडियो बना लेता हूँ। जापान में बहुत सारी मशहूर कंपनीज हैं जिनका आप नाम यकीनन जानते होंगे, जैसे पैनासोनिक है, शार्प है, हिताची है, तरह की बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज होते हैं मशहूर। तो उनकी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, सामने से पुलिस आ रही है। देखिए, जो जापान में पुलिस आ रही हो तो सब अपनी गाड़ी साइड पे रोक देते हैं ताकि पुलिस सबसे पहले इमरजेंसी कार जो वो गुजर के चली जाए। इससे ये होता है कि दरमियान की जगह जो उनकी खाली हो जाती है, जो इमरजेंसी कार है वो इजीली क्रॉस करके अपनी मंजिल तक जा सकती है। तो ये मैं पहुंच गया इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे। आजकल एक मसला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है उनका बिजनेस बहुत डाउन हुआ है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि लोगों ने आजकल कोरोना के बाइस भी और वैसे भी ऑनलाइन चीजें परचेज करना शुरू कर दिए हैं। दुकानों पे सिर्फ चीजें देखने आते हैं, इस तरह की शॉप्स वगैरह। अब ये बहुत बड़ी शॉप मेरे सामने है, लेकिन लोग यहाँ पे सिर्फ चीजें देखने आते हैं, बाद में वो खरीदते जो से हैं वो ऑनलाइन खरीदते हैं। यहाँ पे स्टाफ होता है, वो आपको डील करता है, वो आपको चीजों के बारे में बताता है। फिर यहाँ पे जगह के पैसे, इलेक्ट्रिक के बिल्स वगैरह, इतनी बड़ी शॉप बना के इन्होंने कस्टमर को अपने डील करे, फिर भी लोग जो से जाके ऑनलाइन से खरीदते। इन लोगों का जो काम है काफी डाउन हुआ है। जापान में ऑनलाइन सिस्टम है वो इतना फास्ट है कि आप कोई भी चीज बाय कर नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे वो आपके घर में फुल गारंटी के साथ चीज आपकी पहुंच जाती है। तो लोग यहाँ पे दुकानों में आना लोगों ने छोड़ दिया हुआ है। स्टोर्स हैं, इनके हालात काफी खतरनाक जा रहे हैं, मुश्किल जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, तो मैं आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक चीजें जापान। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल्स पड़े हैं, मोबाइल्स के कवर। ये बहुत सारे मोबाइल्स के कवर हैं, जिस तरह आईफोन 11 वगैरह का कवर है। जापान में कवर्स में बहुत किस्म होती हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल्स के। ये लेदर का है, ये सारे कवर्स पड़े हैं दुकान के अंदर। फिर ये स्क्रीन प्रोटेक्टर। आमतौर पे यहाँ पे मोबाइल पड़े होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से मोबाइल सारे उठा दिए गए हैं। जो मोबाइल्स की सेल्स है वो भी बहुत आजकल मुश्किल चल रही है, लोग ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मोबाइल भी नहीं पड़े हुए। फिर ये है कंप्यूटर। फिर लैपटॉप आप देख सकते हैं, ये है NEC का लैपटॉप। और ये देखें डायनाबुक, ये डायनाबुक पड़ा है, इसकी प्राइस ये आपके सामने है, 15.6 इंच का ये डायनाबुक है लैपटॉप। फिर ये देखें, फिर जापान में प्रिंटर में जो बेस्ट कंपनी है वो है ब्रदर, और ब्रदर के साथ जो इसका सबसे बड़ा राइवल है वो है कैनन की कंपनी। अगर कलर प्रिंट के बारे में आप नाम लें तो सबसे ज़्यादा कैनन का नाम आता है। कैनन का नाम कलर प्रिंटर में सबसे टॉप पे है, जापान में रैंकिंग में नंबर 1 पे आता है। और जो ब्रदर है, ब्रदर में ये होता है कि अगर आप कंपनीज वगैरह में ज़्यादातर ब्रदर्स इस्तेमाल होता है जापान में, ये बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीन बनाते हैं। फिर ये भी देखिए, ये भी कैनन है। कैनन जो है फोटो प्रिंट वगैरह और कलर प्रिंट में बेस्ट क्वालिटी है इसकी, और प्राइस भी इसकी बहुत मुनासिब है। फिर ये आते हैं हम कैमरा सेक्शन में। कैमरे में भी कैनन का नाम काफ़ी ऊपर है, मशहूर ये ब्रांड है कैनन। कैमरे बनाने में भी कैनन काफ़ी अच्छी कंपनी। फिर सोनी के कैमराज भी हैं। जो मुझे पर्सनली सबसे बेस्ट कैमरा लगता है वो है निकॉन का। तो निकॉन का कैमरा ये देखें यहाँ पे पड़ा है। ये अब इस दुकान में प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी, लेकिन ये जो निकॉन का कैमरा है ये मुझे सबसे बेस्ट ये कंपनी लगती है कैमरे के लिए। और इसका भी कैनन भी इसका मुकाबला करता है यहाँ पे। तो निकॉन जो सी है ये सबसे बेस्ट कंपनी है कैमरे के लिए। तो इस दुकान में इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं पड़ी,
तो जैसा कि मैं बताया कि आजकल ऑनलाइन ऑनलाइन स्टोर जो है वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हुए हैं, तो इसलिए जापान में अब इनके लिए बहुत बिजनेस मुश्किल हो चुका हुआ है। फिर आगे आते हैं टीवी। टीवी में शार्प का नाम सबसे ज़्यादा आता है और पैनासोनिक ये टॉप पे कंपनी है टीवी में। अगर जापान में आपने टीवी लेना हो तो पैनासोनिक और सोनी और ये जो शार्प है ये टॉप पे आते हैं। यहाँ पे देखें जैसा बहुत बड़ी स्क्रीन यहाँ पे लगी है, ये पैनासोनिक की, और ये इतना बड़ा टीवी जो आपके सामने, ये भी सोनी का टीवी है। तो ये है 52 मंथ का और इसको टैक्स डाल के 58 मंथ का टीवी है, 58 मंथ का। ये है 85 इंच का टीवी है सोनी का, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी स्क्रीन है, लेकिन अमाउंट भी इसकी अच्छी खासी है टीवी की। तो आज मैं वाईफाई रूटर लेने आया हूँ अपने लिए। यहाँ पे वाईफाई रूटर के लिए भी बहुत सारी किस्में हैं, तो इसमें से आज मैं एक सिलेक्ट करूँगा। तो कौन सा बेस्ट रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, लेकिन देखिए यहाँ पे पियानो भी पड़े हैं। जैपनीज़ पियानो बहुत पसंद करते हैं, अपने घरों में इन्होंने रखा होता है और बच्चों को स्कूल में भी पियानो की तालीम दी जाती है। तो तकरीबन जापान में हर बच्चा पियानो बजाना जानता है। तो इस तरह देखें इलेक्ट्रॉनिक शॉप में पियानो पड़े हैं। और ये है वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन में हिताची का नाम, पैनासोनिक का नाम ये टॉप पे आता है। तो यहाँ पे सारी हिताची और पैनासोनिक की वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है। तो ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, आप देख सकते हैं ये 23 मान की ये वॉशिंग मशीन है, मेड इन जापान है, ये है हिताची की। और इसके अंदर 12 केजी तक कपड़े एक टाइम में धुल सकते हैं और इसमें ड्राई करने का सिस्टम भी है, धोने का सिस्टम, सब कुछ इसमें सिस्टम मौजूद होता है। कपड़े आपके रेडी होके बाहर निकलते हैं, बिल्कुल ड्राई होके, स्टीम आयरन होके बाहर निकलते हैं कपड़े। तो बहुत बहुत कमाल की वॉशिंग मशीन जापान में होती हैं, ये भी शार्प की वॉशिंग मशीन है। फिर आगे फ्रिज हम देखते हैं, ये हैं फ्रिज जापान के, हिताची के फ्रिज और तोशिबा के फ्रिज। फिर तो फ्रिज में भी हिताची और शार्प, तोशिबा, पैनासोनिक ये कंपनियां सबसे ज़्यादा यहाँ पे नज़र आती हैं, जो जापान की कंपनियां हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी फ्रिज हैं। तो फ्रिज में एक्सपेंसिव वाला भी देखें तो इसके अंदर ये हिताची का फ्रिज है, 38 मंथ 4000 का है ये, और इसके अंदर 735 लीटर देखें इसमें कैपेसिटी है। तो ये कितना बड़ा ये फ्रिज है। फिर ये छोटे छोटे फ्रिज भी पड़े हुए हैं, अगर आप इतना बड़ा फ्रिज नहीं अफोर्ड कर सकते तो छोटे फ्रिज भी हैं। फिर ये रनिंग मशीन और ये मसाज चेयर, जो पैनासोनिक की मसाज चेयर है, ये बहुत आरामदेह होती है, बेहतरीन मसाज चेयर होती है। इस पर आप अगर बैठें तो बिल्कुल आप एक फ्रेश होके उठते हैं, बड़ी कमाल की मशीन होती है। देखें 38 मंथ 2000 यानी ये मशीन है, लेकिन इसको इसमें बैठ के बंदा बहुत रिलैक्स फील करता है। वो देखें आंटी भी इंजॉय कर रही है पीछे। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक शॉप। फिर ये है लाइट कॉर्नर। जापान में आमतौर पे घरों में गोल गोल लाइट इस्तेमाल होती है, या फिर ये तो जापानी स्टाइल है, तो ज़्यादातर आपको घरों में इस तरह की गोल लाइट जापान में नज़र आएगी। देखिए यहाँ पे सारी गोल लाइट ये सेल हो रही हैं, ये भी गोल लाइट है।
फिर ये हैं जापान की टॉयलेट सीट्स जो दुनिया भर में मशहूर हैं। जापान का टॉयलेट बहुत कंफर्टेबल और बहुत सिस्टमाइज होता है। जैसे अगर आपका टॉयलेट नॉर्मल भी हो, आप ये सीट उसके ऊपर लगा के इसको सिस्टमाइज टॉयलेट बना सकते हैं। देखें तहारत वगैरह के लिए कितने सारे इसके अंदर सिस्टम दिए होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है टॉयलेट की सीट्स। फिर आगे जापान के एसी, जापान के एसी भी मशहूर हैं, पैनासोनिक, शार्प और तोशिबा, ये कंपनियां सबसे ज़्यादा मशहूर हैं एसी की ब्रांड के अंदर। आप ये एसी देख सकते हैं, ये है 42 मान का एसी है, ये बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत हाई पावर बेहतरीन एसी है। तो आमतौर पर जापान में इस शेप के एसी होते हैं। और सिर्फ ये एसी नहीं, आपने एसी घर में ये लगाना होता है, घर के बाहर आपने एक पंखा जो है आपके घर के बाहर वो पड़ा होता है तो वो अलग होता है, तो वो सेट होता है लाजमी। ये एसी घर के अंदर होता है और इसके साथ बाहर रखने के लिए, तो हाँ जी ये है बिल्कुल, तो ये होता है पंखा जो घरों के बाहर पड़ा होता है और इस तरह एसी जो है घरों के अंदर लगा होता है और घरों के बाहर यूँ पंखा पड़ा होता है, तो ये पूरा सेट होता है। तो ये है जापान के एसी। ये है वैक्यूम मशीन, और वैक्यूम मशीन में सबसे मशहूर जापान में डायसन है। ये डायसन मशीन जापान में सबसे ज़्यादा बिकती है, ये वैक्यूम मशीन सबसे ज़्यादा मशहूर है जापान में। यहाँ पे देखें डायसन पड़ा है सामने, ये है डायसन और 7 मान 4000 का ये डायसन है। तो बाकी हिताची वगैरह, शार्प वगैरह भी ये बनाते हैं लेकिन डायसन सबसे ज़्यादा जापान में सेल होता है वैक्यूम क्लीनर के तौर पर। फिर ये होते हैं जापान के चूल्हे जो आम घरों में इस्तेमाल होते हैं। ये जापान के चूल्हे और 2 मान का तकरीबन ये चूल्हे जापान में इस्तेमाल होते हैं। देखिए तो ऐसे वाईफाई रूटर तो मुझे मिल गया और मैं जा रहा हूँ अपने अब काम की तरफ। तो नाज़रीन ये थी इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो मैं आज आपको दिखाई, बहुत जल्दी जल्दी गुजारा है मैं, कैमरा जो है बड़ी स्पीड में बड़ी जल्दी जल्दी मैं गुजरता गया हूँ। इतनी सारी प्रोडक्ट हैं, यकीनन वो बड़े मज़े मज़े की प्रोडक्ट हैं, एक एक प्रोडक्ट के बारे में भी इंशाल्लाह मैं आगे बताता रहूँगा। वैक्यूम क्लीनर है, कैमराज हैं, फ्रिज है, टीवी है, इन चीज़ों के बारे में एक एक करके मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। आज मैं आपको सिर्फ एक उसका इश्तिहार दिया है कि ये सारे प्रोडक्ट मैं एक नज़र आपको दिखाई है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से गुजरता गया, उसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसकी डिटेल एक एक ही बताऊँ तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैं लहदा एक एक प्रोडक्ट की जो वीडियो है मैं इंशाल्लाह आगे बनाता रहूंगा। जिस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी से जल्दी हो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं और आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। तो आज मैं आपको दिखाई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जापान की, कुछ आज के लिए इतना ही था, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अच्छा मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे अभी मैं गया था तो बिल्कुल वहाँ पे कस्टमर नहीं थे, इतनी बड़ी शॉप है वो, लेकिन गाड़ियाँ भी चंद खड़ी हुई थी और तकरीबन वहाँ पे 200 से 300 गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह थी लेकिन 5 से 10 गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई थी। स्टाफ ज़्यादा था और जो कस्टमर आने वाले वो कम थे। अब जैसा कि मैं आपको रीज़न पता है कि जापान में ऑनलाइन शॉप है वो उनका सिस्टम इतना फास्ट और अच्छा और सस्ता हो गया है कि वहाँ पे कंपटीशन हो जाता है। अगर आपने फ्रिज खरीदना है वो ऑनलाइन आप देखेंगे तो उसको एक ही प्रोडक्ट को 100-100 ऑनलाइन स्टोर जो से वो उसको सेल कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आ जाता है कंपटीशन और आप कंपटीशन में सेकंड में देख सकते हैं कौन सी शॉप सबसे सस्ती सेल कर रही है इंटरनेट के ऊपर। तो यकीनन आप सबसे सस्ती जगह से आप वहाँ से ऑनलाइन से खरीदेंगे, जहाँ पे कंपटीशन आ जाता है वो ऑनलाइन पे कंपटीशन आया, प्राइस वहाँ पे सस्ती होगी। इतने साल हो गए मैं स्टोर से कोई चीज़ नहीं खरीदी, ये वाईफाई रूटर मुझे फौरी चाहिए था तो मैं खरीदा है, मुझे आज ही चाहिए था, लाजमी था, तो ये मैं इसलिए खरीदा है, नहीं तो मैं बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वगैरह पे जाना मैं बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि मैं वहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाता भी हूँ उधर ही मैं अपना मोबाइल खोलता हूँ और मैं ऑनलाइन चेक करता हूँ उसकी प्राइस, तो उस पर वाजिया नज़र आता है अगर मुझे वो चीज़ 20% 30% सस्ती मुझे ऑनलाइन मिल रही होती है और वो नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन वो पहुंच जाएगी मेरे घर में, तो कोई रीज़न बचता नहीं है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से उस प्रोडक्ट को ख़रीदूं। तो ये है आजकल के हालात जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के चल रहे हैं जापान में, बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। जो ये शॉप्स वगैरह भी, ये भी सारी ऑनलाइन अपनी कन्वर्ट कर रही हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं वो बिल्कुल बंद होती जा रही हैं, एक एक करके बंद होती जा रही हैं। तो ये चाह रहे आजकल हालात जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के हालात हैं।